मीरगंज बरेली, योगी सरकार में गाय तड़प तड़प कर भूख प्यास ठंड से तोड़ रही दम। क्षेत्र में मचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश सरकार गौ वंशों के लिए अनेकों प्रयास कर रही है, लेकिन नगर पंचायत प्रशासन उन पर पलीता लगा रहा है। नगर पंचायत द्वारा रेलवे लाइन के पास गौशाला का निर्माण 1,67,00,000 की लागत से कराया था। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर पंचायत की टीम ने 2 दिन पहले गांव समसपुर में घूमने वाले गौवंश को पकड़कर गौशाला पहुंचाया था। फतेहगंज पश्चिमी व कुरतरा गांव से भी गत 2 दिनों से पशु मीरगंज की गौशाला में। 2 दिन में मीरगंज गौशाला में 65 पशु आ गए। नगर पंचायत ने गायों के लिए हरे चारे की जगह सड़े व सूखे बीजे, ठंडे पानी आदि की व्यवस्था की है, जिससे कि क्षेत्र के लोगों में रोष है। नगर पंचायत मीरगंज के जिम्मेदारों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। करोड़ों रुपए की लागत से गौशाला तो बनवा दी, लेकिन उसमें गौवंशों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। सभी गौवंश गौशाला में 3 शेड के नीचे खुले में बने हैं, तड़प रहे हैं। जिम्मेदार मौन है। गायों को ठंड से बचाने का कोई माकूल इंतजाम नहीं है। बुधवार की रात में 2 गौवंश की मौत होने की चर्चा है।